हेलो नमस्कार जी। बोर्ड परीक्षा 2024 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि बोर्ड की परीक्षा इस बार चल रही है 10वीं और 12वीं की, और रिजल्ट की जो तिथि है वो भी जारी कर दी गई है। आप सभी जानते हैं लोकसभा के जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं, और भाई आचार संहिता भी 12 से 13 मार्च के आसपास लग जाएगी। और भाई मोदी सरकार इस बार किसी भी हाल में किसी भी विद्यार्थियों को फैल का मुँह माथा नहीं देखने देंगे। भाई आपको मैं बता दूँ, लगातार सभी बोर्डों को निर्देश जारी कर रखे कि इस बार किसी भी विद्यार्थी को फैल का मुँह माथा ना दिखाएं, यानी कि फैल घोषित ना करें, चाहे उनके कम नंबर ही क्यों ना आ जाए। आप सभी मैं बता दूं, लगातार बोर्ड की परीक्षाओं पर इस बार फोकस किया जा रहा है, और बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार प्रगति पर चल रही है। कॉपी चेकिंग को लेकर भी नए निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, सभी बोर्डों को बहुत बड़े निर्देश है। भाई आप सभी मैं सबसे पहले बता दूं कि भाई अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको अलग से विद्यार्थियों को पास करने का जो फॉर्मूला है वो अपनाया जा रहा है कॉपी चेकिंग को लेकर। 12वीं के विद्यार्थियों को कॉपी चेकिंग को लेकर अलग फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे 10वीं की। अगर जो 10वीं के विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हैं, चाहे CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, आपको कॉपी चेकिंग को लेकर बड़ा आदेश इस बार ये जारी किया गया है अध्यापकों को कि कॉपी जो चेकिंग आप कर रहे हैं विद्यार्थियों की, उस कॉपी में आपको अगर जो विद्यार्थी आउट ऑफ सिलेबस कोई भी पर्सन अगर आया हुआ है तो उसका पूरा अंक विद्यार्थी को दिया जाए, वह उन विद्यार्थी को भी प्रमोट किया जाए जो विद्यार्थी कम लिख के आए हैं लेकिन उनकी जो लिखाई है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे तरीके से वाक्यों को पिरो करके लिखा गया है, उन विद्यार्थियों को ज़्यादा अंक दिया जाए। भाई वही मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को पास करने का आदेश है। वहीं 12वीं के विद्यार्थियों की बात करें तो 12वीं के विद्यार्थियों पर भी नए जो नियम है वो लागू किए गए हैं। इस बार विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों में, अलग अलग थ्योरी में और प्रैक्टिकल में, अलग अलग में पास होना अनिवार्य है। 10वीं में दोनों को मिलाकर के 33% अंक लाना अनिवार्य है, और 12वीं में आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा, यानी कि प्रैक्टिकल में अलग पास करना पड़ेगा आपको और थ्योरी में भी अलग पास करना होगा, तब जाकर के आप पास घोषित करे जाएंगे। भाई वही मैं आपको बता दूं, चुनाव को लेकर बड़ा आदेश ये है कि इस बार आपके जो रिजल्ट है वो 25 दिन के अंदर अंदर ही जारी कर दी जाएंगे। कॉपी चेकिंग भी आपकी शुरू कर दी गई है, बहुत से बोर्डों की जो कॉपी चेकिंग है वो शुरू कर दी गई है, बहुत से बोर्डों के जो एग्जाम है वो खत्म हो चुके हैं, उनकी कॉपी चेकिंग कर दी गई है। वही मैं आपको बता दूं, बहुत से बोर्डों के जो एग्जाम है वो आने वाले दिनों में खत्म होंगे, 25 दिन के अंदर उनकी जो कॉपियां है वो भी चेकिंग हो जाएगी, रिजल्ट है वो भी बना लिया जाएगा, और आपका जो रिजल्ट है वो मई तक जारी भी कर दिया जाएगी। जो प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण होगा, आपको मैं बता दूं चुनाव होने वाले हैं अप्रैल में, उसके बाद शपथ ग्रहण जो होगा प्रधानमंत्री का, उससे पहले पहले ही ये आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आप सभी को मैं बता दूं, जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा और आपकी खुशखबरी हो जाएगी। धन्यवाद।